जय हिंद स्टूडेंट्स, अवहेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज लाइट के सेक्शन में हम लोग साइन कॉन्वेंशन पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए आपको कॉमन में पढ़ाऊंगा। यहां पर ये आपको काफी मदद करेगा। चिन्ह परिपाटी में क्या है ना कि कब साइन प्लस लेंगे और कब साइन माइनस लेंगे, ये चीज आपको ये इंफॉर्मेशन देगा और ये आपके न्यूमेरिकल बनाने में काफी हेल्प करेगा। इसलिए चिन्ह परिपाटी को बड़ी ध्यान से समझिएगा। अगर आपका साइन कॉन्वेंशन सही नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपका आंकिक क्वेश्चन है, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स में आता है लाइट वाला में, वो क्वेश्चन आपका मतलब निश्चित तौर पर गलत हो जाएगा। इसलिए इस चिन्ह परिपाटी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्योंकि अगर मान लिया जाए इसमें माइनस के जगह प्लस कर दीजिएगा, प्लस के जगह माइनस कर दीजिएगा, तो आपका सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बी सीरियस, आप ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपलीफाइड वे में मैं आपको क्या करूंगा, इसको समझाऊंगा। रेडी है, चलिए शुरू करते हैं। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कॉन्वेंशन, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान दीजिए। साइन कॉन्वेंशन, देखिए स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कभी इमेज दर्पण के मिरर के सामने बनता है, कभी पीछे बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, यस, कभी वर्चुअल बनता है, कभी रियल बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है, यस। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के इमेजेस क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो उन सारे इमेजेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको साइन की जरूरत होती है और इसी को बोलते हैं क्या, साइन कॉन्वेंशन, ठीक। साइन कॉन्वेंशन को ध्यान से समझिएगा। गोलीय दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों में अंतर को स्पष्ट करने हेतु चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, राइट। इन स्फेरिकल मिरर टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इमेज साइन कॉन्वेंशन इज यूज्ड, राइट। आजकल जो साइन कॉन्वेंशन यूज होता है उसको बोलते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यानी कोऑर्डिनेट साइन कॉन्वेंशन, ठीक है। आजकल निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट साइन कॉन्वेंशन का प
प्रयोग किया जाता है। कैसा साइन कन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है? कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन का यूज किया जाता है आजकल साइन कन्वेंशन में। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ रूल्स है इसके जिसको आपको समझना है। रूल्स क्या है? रूल नंबर वन, प्रत्येक दूरी पोल से मापी जाती है, यानी ध्रुव से मापी जाती है। यानी कहीं पर भी दूरी नापना है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? पोल से। पोल पर खड़े हो जाएंगे और पोल से ही दूरी नापी जाएगी, कहीं इधर उधर से नहीं नापी जाएगी। जब भी दूरी नापी जाएगी तो कहां से? पोल से नापी जाएगी। प्रत्येक दूरी ध्रुव से मापी जाती है। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये रूल नंबर वन, ये बिहार बोर्ड के लिए है और ये सीबीएसई के लिए, दोनों को कॉमन एक ही साथ हो जा रहा है। दूसरा जो नियम है, मैं समझाऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम है, आपतित किरण की दिशा में दूरी, यानी जिधर आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे आ रहा है, अगर मान लिया इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, तो इस दिशा में दूरी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। और आपतित किरण इधर है तो इस दिशा में दूरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपतित किरण की दिशा में दूरी पॉजिटिव और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी क्या होगा? नेगेटिव। अगर आपतित किरण ऐसे आ रहा है इस तरीके से, तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है, ली जाती है। द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। यस, यानी अगर इस तरीके से ये है, कौन सा? आपतित किरण इधर जा रहा है तो इधर दूरी क्या लेंगे? पॉजिटिव, राइट। और इधर उसके जस्ट उल्टा दिशा में दूरी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जाहिर सी बात है, इधर पॉजिटिव तो इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो तीसरा क्या होगा? आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव ली जाती है। यस, यानी द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव। यस, द डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव एंड द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। यानी इंसिडेंट रे अगर इधर जा रहा है
तो इधर पॉजिटिव और उसके उल्टा में नेगेटिव। अगर इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये किधर पॉजिटिव लेंगे किधर नेगेटिव लेंगे ये डिपेंड इस बात पर करता है कि इंसिडेंट रे किस दिशा में जा रहा है। जिस दिशा में, अगर उत्तर की दिशा में इंसिडेंट रे जा रहा है तो उत्तर की दिशा में दूरी क्या है पॉजिटिव लेंगे, लेकिन दूरी नापेंगे कहां से, ध्रुव से। यस और नो, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा। चौथा, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आप जानते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दूरी को पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दूरी नापेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। यस, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे क्या होगा, नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव ली जाती है, राइट। द डिस्टेंस एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन मुख्य अक्ष के नीचे दूरी क्या लेते आती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। द डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन क्या, नेगेटिव। याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बता दूं, आपतित किरण के दिशा में दूरी यानी इंसिडेंट रे जिस तरफ जा रहा है उधर पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। हर दूरी को ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव यानी इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, और हर डिस्टेंस पोल से मापी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सभी दूरी के लिए यहां कुछ सिंबल दिया गया है कि वस्तु की दूरी को क्या कहा जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहा जाएगा, इन सारी चीजों का सिंबल है। जैसे आपने देखा कि वक्रता त्रिज्या को R से सिंबलाइज किए, सूचित किए, फोकस दूरी को F से सूचित किए, यस और नो, ठीक है। तो यस, उसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसा चीज है जिसका संकेत है, और उस संकेत को हम लोग साइन माइनस और प्लस में क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, जैसे वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू द्वारा सिंबल कर देंगे, यानी उसका संकेत सिंबल क्या होगा, यू होगा। यानी जहां भी यू है इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या, वस्तु की दूरी के बारे में बात हो रही है। प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान रखना है कि कोई भी दूरी ध्रुव से निकाली जाएगी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का क्या होगा, भी। यस, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका संकेत होगा, सिंबल होगा R, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इसका संकेत होगा F। यस, फोकस दूरी का क्या होगा, एफ संकेत होगा। वस्तु की ऊंचाई,
ये ऊंचाई किसके आधार पर होगा, मुख्य अक्ष से कितना ऊंचा है, प्रिंसिपल एक्सिस से। इंग्लिश में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, एच ओ, यहां एच मतलब हाइट हो गया और ओ मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज, इसको एच आई, एच मतलब हाइट, आई फॉर इमेज, यस। यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इन सारे चीजों का साइन पॉजिटिव कब होगा और कब नेगेटिव होगा, इसी के लिए, इन्हीं का साइन पता करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, साइन कॉन्वेंशन लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इनके साइन की बहुत जरूरत है। अगर सही प्रॉपर साइन अगर नहीं देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हो जाए, गलत हो जाए, इसलिए इन सारी चीजों का साइन हमको पता करना होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, हम सबसे पहले बात करते हैं किस दर्पण की, अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण में साइन कन्वेंशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, साइन कॉन्वेंशन इन, साइन कॉन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर, साइन कॉन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में साइन कॉन्वेंशन पढ़ना है, यस। ध्यान दीजिएगा, हम जहां यू लिखेंगे आप समझ लीजिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां भी लिखेंगे इमेज डिस्टेंस, जहां आर लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज समझिएगा। आइए देखते हैं, तस्वीर बना के हम लोग समझते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ध्रुव है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यस। तो मैंने पहले ही नियम में बताया है कि कोई भी दूरी नापते हैं कहां से, पोल से, इसका मतलब आदमी फीता लेके खड़ा कहां पर है, यहां पर है, ऐसे समझिए, ये आदमी कहां खड़ा है, पोल पर, यस, ठीक है। यहीं से दूरी नापी जाएगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, यहीं से नापा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब गौर कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं आपको। मान लिया जाए कि यहां ये वस्तु है, राइट, यहां क्या है, ये वस्तु है, तो बताइए हमको पहले कि ये सी है और ये पी है, ये क्या हो गया हमारा, ये डिस्टेंस को आर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक। पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकल लेंथ है। अब ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो नापिएगा दूरी कहां से, ध्रुव से, राइट, ध्रुव से नापिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, तो गौर कीजिएगा सारा चीज आप लोग, कि एक किरण ऐसे इसके समांतर आएगी, आपको पता है, और कहां से टकराएगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी टकराकर, फिर दूसरा किरण जो है वो कहां से गुजरेगी, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, ये हमारा क्या है, मिरर है पूरा का, और बढ़ा दिए, ये हमारा क्या है, मिरर है, यस, ऐसे आया और ऐसे ही टकरा के गया, यस, यहां पर ये कटा, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जानना चाहते हैं आपसे हम कि यहां से तो ध्रुव से दूरी मापी जाती है, हाथ ही नहीं मानना है, ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्लास चलने में ध्यान देना है, नहीं तो फिर क्लास से बाहर कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट है, राइट, तो ऑब्जेक्ट का दूरी
आप किधर से नापिएगा, यहां पोल से ध्रुव से किधर चलिएगा, बोलिए ऑब्जेक्ट किधर है, यहां है तो ऑब्जेक्ट के लिए आप चलिएगा तो बताइए कि आप इधर चलिएगा तब ना ऑब्जेक्ट के पास पहुंचिएगा, यहां से किधर चलिएगा, इस ओर चलिएगा तो ऑब्जेक्ट के पास पहुंचिएगा। और ये जो दिशा है वो ये आपतित किरण ये वाला है, ये दिशा है आपतित किरण, इधर जा रहा है आपतित किरण, यस। तो आपतित किरण के दिशा में आप जा रहा है कि अपोजिट दिशा में जा रहा है बताइए। आपतित किरण इधर जा रहा है और यहां से आप ऑब्जेक्ट का दूरी नापने के लिए यहां से चल रहे हैं किस दिशा में, इस दिशा में चल रहे हैं, तो आपतित किरण के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस होगी, यस ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाया, यू कहलाया, यहां से लेकर ये यू ऑब्जेक्ट की दूरी, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, भी मानेंगे, क्योंकि यहां ध्रुव है और यहां पर क्या है प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी क्या हुआ, भी हुआ। यही भी लेना है कि ये भी प्लस होगा कि माइनस होगा, ये नापना है कि ये यू जो होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यू के लिए आप किधर चल रहे हैं, बाई ओर चल रहे हैं, यस ठीक है। ठेठ में समझ लेना है कि इधर से इधर माइनस, पोल से उधर प्लस, समझ में आ रहा है, पोल से इधर माइनस, पोल से उधर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, नीचे क्या हुआ माइनस, बस याद रखना है, याद हुआ, पोल से ध्रुव से इधर माइनस, उधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, फिर से समझिए, पोल से लेफ्ट में इधर आएंगे तो माइनस, राइट में जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आ जाइए, तो यहां पर U, U नापने के लिए आप इधर आ रहे हैं, बाईं ओर आ रहे हैं, तो बाईं ओर क्या हो गया, आपतित किरण की दिशा में दूरी विपरीत दिशा में चल रहा है, इसलिए इसको U को क्या लेंगे, माइनस। तो यहां पर U जो होगा किसमें, अवतल दर्पण में U वो होगा नेगेटिव यानी माइनस, क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा किसी भी परिस्थिति में। अब आइए दूसरा चीज, अब हम इमेज की दूरी मापते हैं, भी मापते हैं, भी का प्लस होगा कि माइनस साइन होगा, देखिएगा, अब गौर कीजिए, आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो इमेज बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, तो रियली कट रहा है, इसलिए रियल यानी वास्तविक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, बाईं ओर आना पड़ेगा, तो भी क्या होगा, माइनस, राइट। लेकिन आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, कब, जब पोल और एफ के बीच जब वस्तु रहता है तो पीछे बनता है, अगर प्रतिबिंब यहां पर बनेगा इमेज, तो ये दूरी भी कहां होगा, बोलिए भी यहां होगा, और ये भी किस दिशा में होगा, इधर दिशा में हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, यानी भी प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, भी होगा नेगेटिव किसके लिए, रियल इमेज के लिए होगा, यानी वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, माइनस होगा, और भी का साइन पॉजिटिव प्लस होगा किसके लिए, बोलिए वर्चुअल इमेज, बोला नहीं है, काल्पनिक प्रतिबिंब, राइट ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक के लिए क्या होगा, माइनस, और काल्पनिक के लिए क्या होगा, प्लस, रियल के लिए माइनस और वर्चुअल के लिए प्लस, क्यों हुआ, समझ में आई बात, बढ़िया से। चलिए अब आते हैं फोकल लेंथ का निकालते हैं आप। अब देखिए आप जब भी अवतल दर्पण की बात करेंगे तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको पोल से इधर आना पड़ेगा, लेफ्ट ही आना पड़ेगा, राइट का कोई बात है ही नहीं है, लेफ्ट ही आना पड़ेगा, इधर ही आना पड़ेगा, बाईं ओर ही आना पड़ेगा, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में आना होगा, यानी एफ हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यानी फोकल लेंथ माइनस होगा ऑलवेज यानी हमेशा, राइट। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या के लिए भी ध्रुव से किधर आना पड़ेगा, देखिए आपको इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक आना है आपको, तो क्या आना पड़ेगा, लेफ्ट में ही आना पड़ेगा, यानी आपतित किरण के विपरीत में आना पड़ेगा, इसीलिए ये भी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ये ऑलवेज। चलिए अब बात करते हैं
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, यही ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु की ऊंचाई, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की दिशा में होगी, इसीलिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, कभी भी नेगेटिव वस्तु की ऊंचाई नहीं होगी। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, हाइट ऑफ इमेज, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये नीचे की ओर बना तो नीचे की ओर बना, तो नीचे की ओर बनेगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसको नापने के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस कब होगा, जब ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस होगा, और अगर ये काल्पनिक बनेगा तो इसको नापने के लिए, इमेज को नापने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यस, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, यानी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव किसके लिए, बोलिए, रियल के लिए, रियल इमेज के लिए, जिसको यहां पर लिख चुका हूं वास्तविक प्रतिबिंब, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। कोई कंफ्यूजन, ठीक, याद रखेंगे आप, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। अवतल दर्पण में यू हमेशा वस्तु की दूरी, यू हमेशा माइनस, राइट, भी होगा प्लस भी और माइनस भी, रियल इमेज के लिए भी माइनस, वर्चुअल इमेज के लिए भी प्लस, राइट। एफ हमेशा क्या होगा, माइनस फोकल लेंथ, आर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, राइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस होगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। माइनस होगा कब, जब रियल इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, प्लस होगा। एनी कंफ्यूजन, राइट, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, साइन कॉन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लिया जाए कौन सा दर्पण है साहब, उत्तल दर्पण है, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच, ये फोकल लेंथ है, पोल और सी के बीच को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इमेज की बात करते हैं, आपको पता है कि इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी रखेंगे तो पी और एफ के बीच बनेगा। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज। मान लिया जाए वस्तु को हमने यहां रखा, ये हमारा क्या है, इमेज, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि कोई भी दूरी कहां से मापते हैं, पोल से। तो आप देखिए यहां पर, पोल से यहां से, ये पोल से यहां तक के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पोल से यहां पर आए तो यू हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण ऐसे जा रही है और टकरा के ये इस तरीके से ऐसे चली गई, ऐसे गुजर रही है जैसे लगता है कहां से होकर गुजर रहा है, फोकस से, और दूसरा किरण जो है वो सी के सीधे जाती है, ऐसे गया और लगता है कि सी से होकर गुजर रहा है, लेकिन ये वापस टकरा गया, उसी पथ पर वापस लौट गया। अब ये दोनों दोनों कहां पर कट रहा है, यहां पर कट रहा है, तो यहां वस्तु का क्या बन गया, इमेज बन गया। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर बड़ी कमाल का चीज है, पोल से यहां पर आए, पोल से ये ऑब्जेक्ट है, तब आपतित किरण इधर जा रही है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आने में आप आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में चल रहे हैं, तो यू हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यस। तो यहां के लिए यू जो होगा वो होगा माइनस
ऑलवेज हमेशा क्या होगा, माइनस होगा यू, राइट। अब भी की बात करते हैं तो पोल से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। अब बताइए भी किधर जा रहा है, प्लस में कि माइनस में, तो आपतित किरण के दिशा में जा रहा है। आपको मैंने बताया था सिंपल वे में कि पोल से लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस, राइट में जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। अब बताइए भी का पता करना है इमेज का डिस्टेंस, तो पोल से इधर चलेंगे, यहां पर अब इमेज है तो पोल से किधर, आपतित किरण के दिशा में चल रहे हैं, इसलिए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां नेगेटिव का बात ही नहीं उठता है क्योंकि यहां पर इमेज हमेशा बनता है, वर्चुअल रियल बनता नहीं है, तो ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, यस। अब देखिए फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ भी किधर नापिएगा, पी से एफ के बीच जाइएगा तो दाहिने दिशा में, राइट में जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, ऑलवेज। कोई कंफ्यूजन, ऑलवेज माने हमेशा होता है। आर भी क्या होगा, आर भी नापने के लिए आप इधर से इधर ही, इधर से यहां से सी तक जाएंगे तब ना आर आएगा, तो ये भी आर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या, ऑलवेज, राइट। चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज भी, चूंकि यहां वर्चुअल इमेज बन रहा है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, देख रहे हैं ना, ऊपर की ओर हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा ऑलवेज। अब कॉन्वेक्स लेंस में, मिरर में याद करना बड़ी आसान है, कॉन्वेक्स वाला में उत्तल दर्पण में बहुत आसानी से याद हो जाएगा, केवल वस्तु की दूरी यानी यू होगा माइनस और बाकी टोटल खानदान क्या होगा, प्लस, राइट। केवल यू माइनस, बाकी सब प्लस, किसमें, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन अवतल दर्पण में कहीं प्लस कभी माइनस, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन में। फिर से आप एक बात समझिए कि डिस्टेंस पोल से मापा जाता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में प्लस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठेठ में समझिए, पोल से लेफ्ट आएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। कॉनकेव मिरर में यू माइनस हमेशा, भी माइनस होगा जब रियल होगा, भी प्लस होगा जब वर्चुअल होगा, एफ हमेशा माइनस होगा, आर हमेशा माइनस होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस होगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज माइनस होगा कब, जब क्या होगा, रियल होगा, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, प्लस होगा जब वर्चुअल होगा। और ऑब्जेक्ट इसमें उत्तल दर्पण में तो कोई टेंशन ही नहीं, यू माइनस और बाकी सब प्लस। तो ये रहा साइन कन्वेंशन का आपका टॉपिक। साइन कन्वेंशन अगर अच्छा से आप सीख लिए हैं तो आगे हम मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। आप सब लोगों को नमस्कार, बाय, जय हिंद।